नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेटेस्ट नोटिफिकेशन में। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि आपने मेरे वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा कि लाडली बहना 450 रुपये वाला गैस सब्सिडी सिलेंडर और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इन दोनों में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोगों को मध्य प्रदेश में अभी ऐसा लग रहा है कि 450 रुपये में नया कनेक्शन मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि 450 रुपये में हमको सब्सिडी मिल रही है तो नया कनेक्शन नहीं मिल रहा है। कई लोगों को लगता है कि हमारे पास गैस सिलेंडर तो है तो क्या हम भी फॉर्म भर सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब मैं आज आपको अपनी वीडियो में देने वाला हूँ, तो मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। देखिए, लाडली बहना 450 रुपये वाले गैस सिलेंडर, ये जो योजना है, इस योजना का अगर आप मुख्य पेज देखें, यानी जो आधिकारिक वेबसाइट है, अगर आप उस पे जाएं तो वो वेबसाइट पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये आईडी आप लोगों के पास में नहीं होगी, ये एक विभागीय यूज़र की आईडी है, लेकिन मैं अपनी वीडियो में कभी भी आपको गलत जानकारी नहीं देता और मैं हमेशा आपको पोर्टल पर वही जानकारी देता हूँ जो पोर्टल पर उपलब्ध है, जिस पे आप खुद भी जाके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 450 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। अब ये जो योजना है, ये वही पोर्टल पर आ रही है जिस पोर्टल से आपका लाडली बहना का फॉर्म भरा गया था। ये योजना राज्य सरकार की योजना है, इसमें आपको 450 रुपये गैस सिलेंडर की सब्सिडी मिलेगी, ना कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। आपको 450 रुपये में सब्सिडी मिलेगी, तो उसके लिए आपके सामने ये जो नियम, ये जो निर्देश लिखे हैं, आप इसको पढ़कर वो फॉर्म को बढ़िया आसानी से भर सकते हैं। 450 रुपये की सब्सिडी केवल और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। वो ऐसी महिलाओं के लिए, अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो 450 रुपये की सब्सिडी उन महिलाओं को मिलेगी जिन्हें अभी वर्तमान में लाडली बहना योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। मतलब उनको 1000 रुपये महीने के मिल रहे हैं और उनके नाम से अभी गैस सिलेंडर भी है। उनके पति के नाम से नहीं होना चाहिए, घर के किसी अन्य सदस्य के नाम से नहीं होना चाहिए, उनके स्वयं के नाम से होना चाहिए। अगर उनके स्वयं के नाम से गैस सिलेंडर है, 450 रुपये में घरेलू गैस सब्सिडी उनको मिल जाएगी, और अगर उनके नाम पर गैस सिलेंडर नहीं है तो उनको नहीं मिलेगा। उसके लिए जाके उनको ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा, उसके बाद वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दूसरा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो उज्ज्वला योजना 2.0 है, ये एक केंद्र सरकार की योजना है। मतलब ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना, आप इसे राज्य सरकार से ना जोड़ें। राज्य सरकार में आपके शिवराज सिंह चौहान हैं, केंद्र सरकार में आपके प्रधानमंत्री योजना बनाते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी। ये जो योजना है उज्ज्वला 2.0, ये नरेंद्र मोदी की योजना है। तो बस इन दोनों योजनाओं में इतना ही फर्क है कि जो मुख्यमंत्री लाडली पहना गैस सिलेंडर योजना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ उनको 450 रुपये सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी का मतलब होता है, अगर आप मान लीजिए गैस की टंकी 1000 रुपये की हो गई, तो आपको गोदाम पर देने तो 1000 रुपये ही हैं, वो 450 रुपये बस आपके खाते में वापस आ जाएंगे सब्सिडी के रूप में। ये उन बहनों के लिए है जिन बहनों के पास में अभी मौजूदा गैस सिलेंडर उनके स्वयं के नाम पर है और वो लाडली बहना योजना का फ़ायदा भी ले रही हैं। और उज्ज्वला 2.0 ऐसी बहनों के लिए है जिनके पास में एलपीजी कनेक्शन ही नहीं है, उनके पास में घर का किसी भी सदस्य का एलपीजी कनेक्शन ही नहीं है, और वो चाहती हैं कि हमारे घर में एक एलपीजी कनेक्शन तो हो। वो आवेदन कर सकती हैं, जिसमें पात्रता आपके सामने लिखी हुई है कि वो 18 वर्ष की होनी चाहिए, किसी अन्य का एलपीजी कनेक्शन घर में नहीं होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनका राशन कार्ड होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपके लिए ये वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को इन दोनों योजनाओं में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। ये वीडियो केवल और केवल मेरे उन सब्सक्राइबर्स के लिए है जो इस दुविधा का हल निकाल नहीं पा रहे हैं, उन्हें किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि 90% लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।